हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्यूपिड ब्लॉग्स। और अभी हम लोग जा रहे हैं खाना खाने के लिए। दोपहर के 3:30 बज रहे हैं। एक्चुअली हम लोग को घर पे खाना बनाना था, मम्मी पापा नहीं थे तो हम लोग को अभी आलस आ गया, तो हम लोग ने खाना नहीं बनाया है। तो अभी हम लोग सोच रहे हैं कहीं बाहर रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाए। तो चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं कहाँ जाते हैं। हम लोग अभी 2-3 चीज़ें देखे हुए हैं स्विगी पे, तो उस हिसाब से देखते हैं जो भी अभी खाना जहाँ पे भी हम लोग को मिलेगा वहाँ पे चलेंगे। तो मिलते हैं डायरेक्ट जो भी रेस्टोरेंट। हेलो फ्रेंड, हम लोग का डिसाइड हो गया है कि हम लोग क्या खाने जा रहे हैं। तो हम लोग अभी जा रहे हैं ब्राउन बर्गर को में। वहाँ पे बर्गर जो है वो ब्राउन ब्रेड पे मिलेगा और वो थोड़ा हेल्दी आइटम रहेगा। और मेरे को बाहर का मतलब मैदा वैदा खाना मना हो चुका है, तो अभी हम लोग हेल्दी ऑप्शंस पे जा रहे हैं। तो अभी जाके देखते हैं कि वहाँ का बर्गर कैसा होता है, हेल्दी होता है कि नहीं, और आगे आपको बताते हैं कैसा कैसा नहीं। तो दोस्तों, कुछ इस हिसाब से है ये ब्राउन बर्गर। ये बॉब मार्ले के ऊपर है, ये आता है अपने रिलायंस चौकड़ी कूड़ासन के बाहर से। तो कुछ इस हिसाब से इसका एंट्री गेट है। रात को आते तो ज़्यादा सजा हुआ लिखता। ये दोस्तों देखिए लोकेशन कुछ इस हिसाब से इधर का। यहाँ पे सारी आइटम जो है ब्राउन ब्रेड के ऊपर मिलती है। यहाँ पे पिज्ज़ा भी है ब्राउन ब्रेड पे और बाकी भी कई चीज़ें हैं। और यहाँ का टैगलाइन है चूज योर ब्रेड, ब्रेड काट के हेल्थ, मतलब कि हेल्दी आइटम है काफ़ी। तो अगर आपको हेल्दी में कुछ टेस्टी खाना हो मेरी तरह, तो आप यहाँ आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग ने 2 बर्गर ऑर्डर किया है, एक हाफ चिली बर्गर ऑर्डर किया है और चिकन बर्गर ऑर्डर किया है। देखते हैं अभी ऑर्डर कितनी देर में आता है और कैसा होता है आने के बाद। तब तक के लिए आप हमें घूमने रहिए। इतने दिन बाद ऐसा कुछ खा के मज़ा आ गया, बहुत टेस्टी है। यहाँ के सॉसेस सब बहुत मस्त है, ट्राई करने के लिए लाया गया। ब्रेड भी मल्टीग्रेन ब्रेड है, ऊपर ऑलिव्स है और काफ़ी टेस्टी है, काफ़ी टेस्टी है। आपको तो ट्राई करना चाहिए, हेल्दी ऑप्शन है। बर्गर सही में बहुत टेस्टी है, अंदर का स्टफिंग भी बहुत ही मस्त है और ब्रेड बहुत ही मस्त है इसका। मेरे ख्याल से ये ब्राउन ब्रेड का भी मल्टीग्रेन ब्रेड से कोई ब्रेक है, हम लोग पूछ के कन्फर्म करेंगे इस चीज़ के बारे में। जहाँ तक मेरे को समझ आ रहा है, जैसे कि मल्टीग्रेन ब्रेड है कलर से और उस हिसाब से समझ आ रहा है। और इसके टिक्की सॉसेज हर चीज़ बहुत टेस्टी है।
फायदा हो रहा है, मेरे को बीवी होने का फायदा है, पूरा फायदा उठा रहा हूँ। तो खा रही है चल चल क्योंकि ये बात गलत है, मेरे को खिलाना चाहिए उसको, मैंने खिला रहा है, चलो खिला ही देते हैं। सही में बहुत टेस्टी है, हेल्दी ऑप्शन है, काफ़ी टेस्टी है। हाँ टेस्ट एकदम ही बाहर, जो हम लोग मैगी वगैरह का जो बर्गर खाते हैं अच्छा ही आ रहा है, स्टफिंग भी बस इसका मेन जो उससे भी बहुत अच्छी, उसकी सॉसेज बहुत अच्छी है, सॉसेज तो अच्छी है पर इसका मेन फायदा क्या है कि जिसको हेल्दी खाना हो वो आराम से इस चीज़ें खा सकते हैं, क्योंकि जो ब्रेड है जो वो हेल्दी ब्रेड है, तो इस हिसाब से रिकमेंड डिश फॉर एवरीवन। तो अभी हमारा दूसरा जो बर्गर है अब चिली बर्गर वो आ गया है, ये हमारा था मैक्सिकन नाम से नाचोस, नाचोस मैक्सिकन नाचोस में नाचोस ही नहीं है, नाचोस ये है तो कुछ करिए। वैसे बीबी के हफ्ते खाना लड़ाई जो है ना
साथ ही गुजारे। फ्रेंड्स अभी हम लोग ने ब्राउन बर्गर में खाना खा लिया है, तो हम लोग को बर्गर काफ़ी अच्छा लगा, टेस्टी भी था, क्वांटिटी भी अच्छी थी, क्वालिटी भी, क्वांटिटी बहुत अच्छी थी। हम लोगों ने एक बड़ा बर्गर और एक छोटा बर्गर ऑर्डर किया था और उसमें दोनों का पेट बहुत अच्छा खासा भर चुका है। अगर हम लोग एक बड़ा बर्गर भी ऑर्डर करते उसमें भी हम लोग का पेट नॉर्मली तो भर ही जाता, अभी तो बहुत अच्छा खासा भर गया है। हाँ, सबसे मेन चीज़ क्वांटिटी, क्वालिटी और प्राइसिंग, तीनों चीज़ प्रॉपर था, ना कुछ आगे पीछे ना कुछ ऊपर नीचे, सब चीज़ बराबर था, प्राइसिंग भी एकदम सही। तो हम लोग यहाँ पे आपको खाने का रिकमेंड कर सकते हैं, हम लोग आपको यहाँ का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। रात को आप लोग आएंगे तो ये जगह बहुत ही सुंदर दिखने मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे जो लाइट्स लगी हुई थी बहुत सुंदर लग रही थी, तो उस हिसाब से रात का व्यू यहाँ का बहुत अच्छा होगा, तो आप लोग जरूर एक बार ट्राई कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा है। हाँ, और हम लोग को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूले। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्यूबिट के ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।